हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं आपके साथ इंडियन हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। अब हम मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके साथ, कुछ टॉपिक जो है वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। उससे पहले मेरा निवेदन रहेगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। चलिए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन इस तरह है, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज नोन एज देशबंधु। देशबंधु किसको कहा जाता है? देशबंधु मीन्स फ्रेंड ऑफ द नेशन। अरविंदो घोष, चितरंजन दास, दादा भाई नौरोजी और ज्योतिर व फूले। तो इनमें से किसको देशबंधु कहा जाता है? देशबंधु जो है वो चितरंजन दास को कहा जाता है। चितरंजन दास जो थे एक अच्छे पोइट थे, ऑथर थे और लॉयर थे, जिनको क्या कहा जाता है? देशबंधु, द फ्रेंड ऑफ द नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर डोमिनेटेड द लखनऊ पैक्ट इन दिसंबर 1916। दिसंबर 1916 में जो मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में लखनऊ पैक्ट हुआ था, उसमें डोमिनेट किसकी थी? जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू या फिर मदन मोहन मालवीय? तो इसमें राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने डोमिनेट किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो और मुस्लिम लीग का जो सेशन हुआ था लखनऊ में 1916 में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट का पहला एमपी कौन बना था इंडियन? बदरुद्दीन तायब जी, बीसी बैनर्जी, डीएन बच्चा या फिर दादा भाई नौरोजी? तो इसमें राइट आंसर जो है वो दादा भाई नौरोजी हैं। दादा भाई नौरोजी थे वो पहले एमपी बने थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के। नॉन वायलेंस एज टॉट एंड प्रैक्टाइज बाई महात्मा गांधी इज रूटेड इन द इंडियन डॉक्ट्रिन ऑफ। किस में है? स्वराज, स्वदेशी, सत्याग्रह और अहिंसा। तो महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा किसका स्लोगन दिया था? अहिंसा का। नेक्स्ट है, थ्रू विच प्रिंसिपल आर डिवाइज डिड महात्मा गांधी स्ट्राइव टू ब्रिज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। कौन सी थ्योरी से उसने इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को ख़त्म करने की बात की थी? अवोल्यूशन ऑफ मशीनरी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विलेज इंडस्ट्रीज, अडॉप्शन ऑफ नॉन वायलेंस या फिर ट्रस्टशिप थ्योरी? तो इसने क्या दिया था? ट्रस्टशिप थ्योरी। ये एक सोशो इकोनॉमिक थ्योरी थी। इसका मतलब था इट प्रोवाइड्स अ मीन बाई विच द वेल्दी पीपल वुड बी द ट्रस्टी दैट लुक्ड आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन जनरल, जो अमीर हैं। तो ये इनका कहना था कि ट्रस्टीशिप थ्योरी जो है वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को ख़त्म करने में सहयोग करेगी। जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है इंडिया में, कुछ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल वेल हैं और कुछ की इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ख़राब। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन वॉज बॉयकॉटेड बाई नेशनलिस्ट लीडर्स ऑफ इंडिया बिकॉज दे फेल्ट दैट इट वॉज ओनली एन आई वॉश। ऑल द मेम्बर ऑफ कमीशन वॉज बर इंग्लिश। द मेंबर ऑफ द कमीशन वर बायस्ड अगेंस्ट इंडिया, इट डिड नॉट मीट द डिमांड ऑफ द इंडियंस। तो इसमें राइट आंसर है कि जितने भी मेंबर थे, सात मेंबर थे साइमन कमीशन के, वो सातों के साथ जो थे वो इंग्लिश थे, और इनके जो चीफ थे यानी कि चेयरमैन थे वो सर जॉन साइमन थे। ये एक स्टैचुरी कमेटी थी पहले, बाद में इसको नाम जो है वो साइमन दिया गया था, साइमन के नाम से ये मशहूर हुआ था। इसका मकसद था कि गिव एन अकाउंट ऑन हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज वर्किंग, कि जो 1919 में इंडियन एक्ट बनाया था वो कैसे काम कर रहा है। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय लॉन्च बाय महात्मा गांधी इन 1928, 1930, 1931 या 1922? तो इसमें राइट आंसर है 1930। 1930 में महात्मा गांधी ने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो चलाई थी दांडी यात्रा के नाम से। तो ये 12th ऑफ मार्च को शुरू हुई और 6th ऑफ अप्रैल 1930 तक चली। इसको साल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं। महात्मा गांधी वॉज प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटिंग ऑफ। किसकी राइटिंग से प्रभावित थे गांधी? बर्नार्ड शॉ, कार्ल मार्क्स, लेनिन या फिर लियो टॉल्स्टॉय? तो ये रशियन राइटर यानी कि डी पार्ट जो है इसमें राइट आंसर है लियो टॉल्स्टॉय, जिनका पूरा नाम था काउंट लेब निकोलेबिच टॉल्स्टॉय। तो इनकी राइटिंग से ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे महात्मा गांधी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइमन कमीशन वॉज अपॉइंटेड वेन। साइमन कमीशन कब अपॉइंट किया गया था? ऑप्शन ए है अरबिन वॉज द वायसराय ऑफ इंडिया, लेबर पार्टी हैड एन ऑफिस इन ब्रिटेन, ब्रिकहेड वॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर और नन ऑफ द बब। सो इसमें राइट आंसर जो है ए पार्ट है कि अरबिन जो थे, लॉर्ड अरबिन उस वक्त इंडिया के वायसराय थे जब साइमन कमीशन जो है वो अपॉइंट किया गया था। तो 1927 में साइमन कमीशन को अपॉइंट किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट केम टू एन अब्रप्ट एंड एंड बिकॉज ऑफ चोरी चोरा इंसिडेंट।
ऑप्शन है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट और किट इंडिया मूवमेंट। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है ये ख़त्म हुई थी चौरी चूरा इंसिडेंट की वजह से। चौरी चूरा में हुआ क्या था? चौरी चूरा जो है एक टाउन है गोरखपुर में, ठीक है। 4 फरवरी 1922 को यहाँ पर जो नॉन वायलेंस अहिंसावादी लोग थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उनका क्लैश जो है वो पुलिस से हो गया, जिसकी वजह से वहाँ पर फायर चल गई। और ये जो बाद में मूवमेंट थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो गांधी ने शुरू की थी, बाद में इसको वापस ले लिया गांधी ने इसी इंसिडेंट की वजह से, क्योंकि गांधी जो थे वो अहिंसावादी थे, वो नॉन वायलेंस पर बिलीव करते थे। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही, शुक्रिया, आप हमें इजाज़त दीजिए। तो इस पूरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने व्यूज़ जो हैं वो हमें कमेंट के ज़रिए बताते रहिए कि आपको वीडियो जो है वो कैसी लगी, कुछ नॉलेज गेन हुई कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी का। हमारे साथ आगे भी बने रहिए और आगे भी हम आपके लिए नई नई वीडियो जो है वो लेके आए नए नए टॉपिक्स पर। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।